आज आपको दिखाने वाले खजला की मेकिंग, जो दोस्तों विश्व में सबसे ज्यादा खाई जाने वाली मिठाइयों में से एक है। इसको बनाने के पीछे दोस्तों 12 से 15 घंटे की मेहनत लगती है, तब कहीं जाके ये मिठाई बनके तैयार होती है। तो वीडियो को पूरा एंड तक देखिएगा। चलिए दोस्तों शुरू करते हैं। आप देख सकते हो खजला बनाने की तैयारी यहाँ पे चालू हो चुकी है। और सबसे पहले जो कढ़ाई में मैदा निकाला जा रहा है, मैदे के अंदर दोस्तों इसमें अजवाइन डाली जाएगी, जिसकी वजह से टेस्ट काफी निखर के आता है। उसके बाद दोस्तों इसके अंदर पानी डाल के इसे अच्छे से गूंथा जाएगा। 15 से 20 मिनट लग जाते हैं इसको, ऐसे ही प्रोसेस इसका चलता रहता है। दोस्तों काफ़ी डिफिकल्ट प्रोसेस है, आपको दिखाऊंगा तो आपके होश ही उड़ जाएंगे। देखिए कितनी देर से भैया इसे ऐसे ही मिक्स करे जा रहे हैं, तब कहीं जाके ये तैयार हो गया है। डो को ढक दिया जाएगा। खजला बनाने का प्रोसेस दोस्तों काफ़ी लंबा होता है, और आप ये देखिए इसके डो जो हैं, अब इसकी काटने की बारी है। और दोस्तों एक महान कारीगर इसके छोटे छोटे पेड़े यहाँ पे बनाता है, जिनको 10 से 12 साल का एक्सपीरियंस होता है। उसके बाद दोस्तों इसके पेड़े बना के यहाँ पे रख दिए जाते हैं। उसके बाद दोस्तों इसकी लेयरिंग की जाती है, ताकि जब इसको फ्राई करा जाए घी के अंदर, तो इसमें काफ़ी सारी जो लेयर है वो बन के तैयार हो जाए। आप ये देखिए इनको एक्सपीरियंस कितना तगड़ा होगा, आप सोच ही सकते हो। इतनी बढ़िया कारीगरी है, इसको बनाने में दोस्तों 12 से 15 घंटे का टाइम यहाँ पे लग जाता है, जैसा कि भैया हमें यहाँ पे बता रहे थे। दोस्तों डो यहाँ पे रेडी हो चुका है, अब बारी है इसको फ्राई करने की। भैया ने जो डो अभी तैयार करा था उसको अब गोल कर रहे हैं, और इनका तरीका देखिए हाथों से बनाने का। तो इसमें घी कौन सा इस्तेमाल करा आपने? खजूर, खजूर का डालडा, तो खजूर का घी है। वो कितनी देर में ये फ्राई हो जाता है? धीरे धीरे, धीमी आंच पे फ्राई करा जाता है इसे। दो मिनट में एक निकल जाता है। तो ये देखो जैसे जैसे निकल रहा है इसे यहाँ पे खजूर के ऑयल में दोस्तों इसे अब डाल दिया गया है, और इसे धीमी धीमी आंच पे यहाँ पे पकाया जाएगा, जिसे 2 से 3 मिनट लग जाता है। तब जाके ये धीमी धीमी आंच पे पकता है, तब इसमें जो टेस्ट है काफ़ी अमेजिंग आता है। और यहाँ पे लोग सबसे ज़्यादा यहाँ पे खजला खाना पसंद करते हैं, और यहाँ के दीवाने हैं दोस्तों, इतना बढ़िया और शानदार टेस्ट होता है। चलिए आपको भी दिखाएंगे इसका टेस्ट करके। आप देख ही सकते हो इसका बनाने का प्रोसेस कितना ही मुश्किल है दोस्तों, बाकी मिठाइयों से ये बहुत ही डिफरेंट है। इसका टेस्ट काफ़ी लाजवाब होता है, यहाँ के लोग बता रहे थे ये खाने में सबसे ज़्यादा यहाँ पे सेल होता है। फ्राई होने के बाद दोस्तों इसमें से एक्सिस ऑयल जो है वो निकाला जा रहा है। अब आपको लग रहा होगा ये बन के एकदम तैयार हो चुका है, तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं है, इसके आगे भी बहुत सारी चीज़ें होने अभी बाकी है। चाशनी, तो भैया कितनी चाशनी होती है इसमें? तीन बोरी। एक बोरी में कितना आता है? 50 किलो, मतलब 150 किलो चीनी। इसमें 150 किलो चीनी डली हुई है। यहाँ पे आप देख सकते हो नीचे भट्टी है, और यहाँ पे कोयला जल रहा है। चाशनी एकदम बनके तैयार हो चुकी है, अब इसे अलग जगह पे दूसरे बर्तन में पलटने के लिए लेकर जा रहे हैं। आप ये जो कढ़ाई देख रहे हो दूसरी वाली, इस कढ़ाई में इसे चाशनी को पलटा जाएगा। दोस्तों इसमें खतरा बना रहता है कहीं पैर या हाथ पे ना गिर जाए चाशनी, बहुत ही ज्यादा टेम्परेचर होता है इस चाशनी का। अब बारी है इसे चाशनी में पागने की, तब जाके इसका जो मीठा टेस्ट है वो आपको यहाँ पे देखने को मिलेगा। ये देखिए भैया यहाँ पे काफ़ी सारे जो खाजे फ्राई करके रखे गए थे उसे चाशनी में डिप कर रहे हैं, और यहाँ साइड में रख रहे हैं ताकि जो एक्सेस चाशनी है वो यहाँ पे निकल जाए। इसके पीछे की मेहनत आपने देखी ली होगी। वीडियो अच्छी लगी हो वीडियो को शेयर करना ना भूले, और कमेंट करके दोस्तों हमें ज़रूर बताइएगा कि आपको हमारी वीडियो कैसी लगी, और वीडियो को शेयर करना ना भूले। दोस्तों इस तरह की और मज़ेदार वीडियो देखने के लिए आप हमें फॉलो कर सकते हैं। मिलते हैं एक और मज़ेदार वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय बाय।